तो पैसा नहीं है बाधा, बस पढ़ने का हो पक्का इरादा। SRM हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, ऑल इंडिया NAC ए ग्रेड, MBA कॉलेज पॉलिटेक्निक, BTEC, BCA, MCA, BBA, MBA, होटल एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट इत्यादि कोर्स में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की मदद से नामांकन के लिए संपर्क करें। सभी पारंपरिक कोर्स BA, BSc, BCom, MA इत्यादि में भी नियमित दुरुस्त कोर्स के लिए नामांकन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है रेलवे स्टेशन के सामने शिव मंदिर के समीप नया टोला नौरिया 9534338689 7856914231 6206224713। नमस्कार, मैं हूं निधि झा और आप देख रहे हैं GH न्यूज। आइए शुरुआत करते बिहार के 10 फटाफट बड़ी खबरों के साथ। बिहार में मिले कोरोना के 1609 नए मरीज, राज्य में आंकड़ा पहुंचा 1,71,465। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 1609 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,71,465 हो गई है। बिहार में फिलहाल 14,770 कोरोना के एक्टिव मरीज मिले हैं। कोलकाता और चेन्नई के बाद देश का तीसरा सबसे व्यस्त एयरपोर्ट रहा पटना। एक दिन में यात्री की आने जाने की संख्या रविवार को पटना एयरपोर्ट देश भर में तीसरे नंबर पर रहा। 12,500 यात्रियों की आवाजाही की संख्या के साथ चेन्नई दूसरे नंबर पर रहा। एयरपोर्ट निदेशक BSC नेगी ने बताया कि कोलकाता एयरपोर्ट देश भर में पहले नंबर पर रहा। पटना एयरपोर्ट से अन्य शहरों के लिए उड़ानों की संख्या में इस सप्ताह बढ़ोतरी हो सकती है। संभव है कि 1-2 नए शहरों से कनेक्टिविटी को भी विस्तार दिया जाए। अगले 2-3 दिनों में इसे लेकर कोई न कोई निर्णय हो सकता है। पीएम मोदी का हरिवंश पर किए ट्वीट पर तेजस्वी का तंज, कहा बिहार की चर्चा चुनाव तक ही रहेंगे फिर भूल जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही NDA और महागठबंधन के नेताओं के बीच ट्विटर पोस्टर और शब्द बाण तेज हो गए हैं। बिहार में विपक्ष के नेता अब तक मुख्यमंत्री नीतीश को ही निशाना पर ले रहे थे, लेकिन बिहार पर प्रधानमंत्री मोदी की सौगात के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को भी अब अपने निशाने पर ले लिया है। बिहार के प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक बहाली मामले में हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित। बिहार के प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक बहाली मामले में पटना हाई कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित कर लिया है। साथ ही सभी पक्षों को अपना अपना लिखित पक्ष 19 अक्टूबर तक कोर्ट को दे देने का आदेश दिया है। अब अपराधियों के लिए आसान नहीं रही चुनावी राह, जानिए चुनाव आयोग की नई गाइडलाइन। अब दागदार छवि वाले नेताओं के लिए विधानसभा तक पहुंचने की राह आसान नहीं रही। चुनाव आयोग ने ऐसे प्रत्याशियों के लिए नए नियम सख्त कर दिए हैं। प्रयास है कि जनता अधिक से अधिक बेदाग छवि वाले प्रत्याशियों का चयन करे और उन्हें सदन तक पहुंचा सके। आपराधिक छवि के लोग पर सख्ती के इरादे से चुनाव आयोग ने नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के अनुसार अब प्रत्याशियों को अपने मुकदमे को जनता के समक्ष सार्वजनिक करना होगा। NH पर ट्रक की चपेट में आने से बच्चे की मौत, गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम। सुपौल नेशनल हाईवे पर मंगलवार को दरभंगा से फारबिसगंज की ओर तेज रफ्तार से जा रहे ट्रक की चपेट में आने से बनेनिया गांव निवासी मोहम्मद मुश्ताक की पुत्री चांदनी परवीन 10 वर्षीय की स्थल पर ही मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही स्वजन सहित गांव के लोग हाईवे पर पहुंच गए तथा जाम कर दिया। जाम के कारण हाईवे पर दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। स्थानीय राजनीति के कारण बाढ़ सहायता राशि से वंचित है जिले के हजारों पीड़ित। सहरसा जिले के दर्जनों गांव विगत 2 महीने से बाढ़ से घिरा हुआ है। पानी का उतार चढ़ाव अब भी जारी है। इन बाढ़ पीड़ितों के बीच नाव और पॉलिथीन सीट के अलावा अन्य कोई सुविधा तो दूर हेलोजन टैबलेट तक वितरण नहीं किया गया है और न ही 2 महीने में कभी इनको हेल्थ केयर चेकअप किया गया है। ऊपर से 6,000 रुपए के बाढ़ सहायता राशि में भी राजनीति शुरू हो गई है। पंचायत प्रतिनिधि अगले वर्ष होने वाले चुनाव को ध्यान में रखकर बाढ़ पीड़ितों की सूची बना रहे हैं। उनके चहेते को तो नियम के विरुद्ध भी सूची में नाम शामिल करने की बात आ रही है, जबकि बड़ी संख्या में वास्तविक जरूरतमंदों को इस सूची में शामिल नहीं किया गया है, जिससे बाढ़ प्रभावित चारों प्रखंडों के हजारों लोग इस राशि से अभी भी वंचित हैं।
बिहार में 28 सितंबर से खुलेंगे स्कूल। एक हफ्ते में बच्चा सिर्फ दो ही दिन जाएगा स्कूल। बिहार शिक्षा विभाग की ओर से बिहार में 28 सितंबर से स्कूल खोलने का बड़ा ऐलान किया गया है। कक्षा 9वीं से ऊपर के क्लास को खोलने का ऐलान किया गया है। सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक पेरेंट्स की सहमति से बच्चे स्कूल अपने टीचर की सलाह लेने के लिए जा सकते हैं। सरकार की ओर से स्टूडेंट और स्कूल एडमिशन के लिए जल्द ही विस्तृत गाइडलाइन शुरू की जाएगी। बिहार सरकार की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक एक बच्चा सप्ताह में सिर्फ दो ही दिन स्कूल जा सकता है। कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने यह ऐलान किया है कि कक्षा 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्र छात्राओं को केंद्र सरकार की ओर से जारी SOP का पालन करते हुए स्कूल जाने की अनुमति होगी। ड्रग्स से देशद्रोह तक घिड़ गई दीपिका, मनोज तिवारी ने सबसे बड़ा हमला बोला। बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन का मामला अब तुल पकड़ता जा रहा है। अब तो अभिनेत्री दीपिका पादुकोण का नाम भी इन सब में सामने आ रहा है, जिसके बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। ट्वीट पर कई नेताओं ने ट्वीट कर दीपिका पादुकोण को जमकर आड़े हाथ लिया। इसी क्रम में BJP नेता मनोज तिवारी ने भी इस पर रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा है कि ड्रग्स मामले में पूरा बॉलीवुड नहीं लिप्त है, बल्कि एक विशेष ग्रुप का नाम सामने आया है। बिहार विधानसभा चुनाव, चुनाव पूर्व अभियान के लिए बिहार को चाहिए 250 कंपनी अर्धसैनिक बल। बिहार में कभी भी चुनावी शंखनाद हो सकता है। निष्पक्ष और हिंसा मुक्त चुनाव के खातिर सुरक्षा इंतजामों का खाका खींचा जा रहा है। चुनाव पूर्व अभियान के लिए बिहार पुलिस को कम से कम 250 कंपनी अर्धसैनिक बल चाहिए। हाल ही में आए चुनाव आयोग की टीम ने समक्ष बिहार पुलिस ने चुनाव पूर्व अभियान के लिए अर्धसैनिक बलों की मांग रखी है। जल्द ही लिखित में यह मांग की जाएगी।